everyone welcome to to the the bay of 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 law in this video we are going to study important questions from the point of view of our Viva. so first question is arbitration है क्या तो so, अगर हम लोग आर्बिट्रेशन की बात करें आर्बिट्रेशन ये होता है कि पार्टी आपस में अग्रीमेंट करती हैं कि, कि किसी तरीके का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है उन लोगों के बीच में तो वो अपने मैटर को कोर्ट में ना ले जाके किसी आर्बिट्रेटर के पास ले जाएंगे ये होता है arbitration. लेकिन अगर हम लोग arbitration consideration 1996 की बात करें, तो उसके section 2, clause 1, sub clause A में कहा जाता है कि किसी भी तरीके का arbitration, जो या तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा हो या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ना हो रहा दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन आई विल नॉट टेल इन डिटेल बताऊंगी तो पहला है आर्बिट्रेशन यहाँ पे क्या है पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि के बीच में अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ तो उन्हें आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराना है तीसरा होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन यहाँ पे पार्टी की अटोनमी रहती है मतलब पार्टी की मर्जी रहती है वो आर्बिट्रेटर चुनते हैं प्रोसीजर चुनते हैं फोर्थ है हमारा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर सॉल्व कराते हैं तो पार्टीज क्या करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के पास चली जाती है खुद नहीं सॉल्व कर रही खुद प्रोसीजर नहीं चुनेंगे या फिर खुद आर्बिट्रेटर नहीं चुनेंगे तो इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्बिट्रेटर चुनेगा और प्रोसीजर बताएगा हर इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग प्रोसीजर है फिर आता है हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब इसमें इंडियन लॉ रहता है और जो लोग हैं वो भी इंडियन लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं फिर आता है हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसमें कुछ फॉरेन एलिमेंट रहता है इसमें इंडियन लॉ भी लग सकता है और हमारा फॉरेन लॉ भी लग सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ये होता है कि इसमें एक पार्टी कम से कम जो एक पार्टी है वो या तो फॉरन कंट्री की रेसिडेंट है ठीक है या फिर उधर का इनका डोमिसाइल है फॉरन कंट्री का या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है या फिर किसी और कंट्री का गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक पार्टी इसमें से, से कम मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो एक पार्टी जो मैंने भी आपको सारी बातें बताई एटलीस्ट एक, एक पार्टी के अंदर ये चीज तो पाई जानी चाहिए वरना इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं होगा अगला है फॉरेन आर्बिट्रेशन फॉरेन आर्बिट्रेशन मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस अवार्ड को जो है फॉरेन आर्बिट्रेशन के थ्रू जो भी अवार्ड आता है उसे इंडिया में इन्फोर्स कराया जा सकता है आपने न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसके बारे में बात करी गई है फिर हमारा अगला फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है अब अगर हम लोग एक्ट के हिसाब से बात करें तो टू क्लॉज वन सब क्लॉज बी में दे रखा है इसमें बोला गया है कि किसी भी तरीके का एग्रीमेंट जो कि सेक्शन सेवन में रिफोर्ड है अब सेक्शन सेवन में क्या लिखा है सेक्शन सेवन में लिखा है कि पार्टीज के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट कि उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर फ्यूचर में अराइज होगा आउट ऑफ द लीगल रिलेशनशिप तो वो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराएंगे ये होता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं जैसे कि पार्टीज एक जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल लेंगे या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को रिफर करेंगे जिसके अंदर उन्होंने आर्बिट्रेशन की बात कर रखी हो ऐसे और दो मेथड्स हैं आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट अगेन आई एम ओनली टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइव कमिंग ऑन आवर अनदर क्वेश्चन वट इज आर्बिट्रल अबॉर्ड टू वन सी में बता रखा है कि आर्बिट्रल अवार्ड वो होता है जिसका ना इंट्रीम अवार्ड भी आता है इससे क्या ही पता चलेगा तो आर्बिट्रल अवार्ड वो अवार्ड होता है जिसमें जो जो भी हम इशू आर्बिट्रेटर के सामने रखते हैं आर्बिट्रेटर उसका फैसला सुना देता है तो उसे हम लोग अवार्ड बोलते हैं अब आर्बिट्रेटर जो है इसका फैसला एविडेंस के हिसाब से बताएगा या जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसके हिसाब से जो है ये फैसला सुनाता है और इस अवार्ड की सेम वैल्यू है एज इफ सिविल कोर्ट की टिक्री की वैल्यू होती है तो इसे एनफोर्स कराया जा सकता है एज इफ इट इज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट फिर अगला क्वेश्चन ये है कि फॉरन अवार्ड किसे कहा जाता है वो अवार्ड जो कि इंडिया के बाहर होता है इसमें जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो कौन सा लॉ होता है वो फॉरन लॉ एप्लीकेबल होता है और इसे इंडिया में लेकिन एनफोर्स कराया जा सकता है यू एन जो था उसके थ्रू इंडिया में से एनफोर्स कराया जा सकता है और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू या फिर जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू फिर अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक अवार्ड किसे कहते हैं डोमेस्टिक अवार्ड वही होता है जिधर जो सब्जेक्ट मैटर रहता है कॉन्ट्रैक्ट का और जो पार्टीज रहती है उन पर कौन सा लो अपलिकेबल होगा इंडियन मतलब एवरीथिंग इज इंडियन हेयर फिर अगला है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं तो टू वन डी में बता रखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में या तो अकेला एक आर्बिट्रेटर हो सकता है या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं वैसे तो ये कहा जाता है रिकमेंड किया जाता है कि और नंबर में आर्बिट्रेटर होने चाहिए लेकिन अगर पार्टीज की सहमति है तो इवन नंबर में भी आर्बिट्रेटर्स चल जाते हैं इसमें कोई मनाई नहीं है लेकिन अगर पार्टीज़ के अग्रीमेंट है तो और नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर भी चल जाते हैं दिस दो इशू इन इट अब इनको अपॉइंट कैसे कौन करता है तो सेक्शन इलेवन में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है या तो पार्टीज अपॉइंट करती हैं ठीक है पार्टीज के बीच में अगर, अगर अग्रीमेंट हो रखा होगा तो उस हिसाब से अगर अग्रीमेंट नहीं है तो उसका भी तरीका है या फिर अगर पार्टीज नहीं चुन पाती या जो भी इशोराइज होता है तो लोग कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो सबके सब लोग उसमें मतलब जितने भी आर्बिट्रेटर्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट और इमपार्शियल होने चाहिए अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे इसमें यह पूछा गया सेटलमेंट क्या होता है सेटलमेंट में वो वहां पे वो चीज होती है जहाँ पे अवार्ड नहीं पास किया जाता फैसला नहीं सुनाया जाता है यहाँ पे क्या होता है समझौता होता है जिस पे दोनों पार्टीज आप एक साथ एग्री कर रहे हैं जैसे कंसीडिएशन में होता है अगला क्वेश्चन है फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड किसे कहते हैं जैसे आर्बिट्रल अवार्ड की ना कैटेगरीज होती है आर्बिट्रल अवार्ड कई तरीके के होते हैं जैसे इंट्रीम अवार्ड एडिशनल अवार्ड फाइनल अवार्ड तो इसमें यह पूछा गया फाइनल फाइनल अवार्ड क्या होता है तो फाइनल अवार्ड ये होता है कि मतलब पूरा का पूरा जो मैटर है उसे सॉल्व कर दिया गया है अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है जो और उसके बाद उसे साइन कर दिया जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे ही जैसे जजमेंट पास कर जाते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट्स होगी कि सिग्नेचर होने चाहिए जजेस के ऐसे इसमें भी रिक्वायरमेंट्स होती है उन सार मतलब सिग्नेचर रीज़न लिखना कि ये अवार्ड क्यों पास किया है दोनों पार्टीज़ को उसकी कॉपी देना ये सारी चीज़ें करना फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडिएशन क्या होता है कंसिडिएशन हमारे एक्ट में आर्बिट्रेशन कंसिडेशन एक्ट 1996 में सेक्शन 61 से लेकर 81 के बीच में दे रखा है ये भी एक तरीके का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसमें कोई भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज के बीच में समझौता कराने की कोशिश करती है पार्टीज के ऊपर है वो समझौते को माने या ना माने अगर मान लेते हैं तो उन पर बाइंडिंग हो जाता है एज इफ इट इज अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट वरना तो फिर कोई बात है ही नहीं अगला क्वेश्चन है कंसिडेटर होता कौन है कंसिडिएटर कोई भी एक पर्सन जिसे पार्टी अपॉइंट करते हैं वो न्यूट्रल होता है उसका ना ही तो डिस्प्यूट से किसी तरीके का लेन देन है ना ही जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उनसे किसी तरीके का लेन देन है वो क्या करवाता है दोनों पार्टीज के बीच में समझौता कराने में मदद कराता है अगला क्वेश्चन सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या होता है उसके इफेक्ट्स क्या होता है सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या होता है सपोज जैसे कंसीडेशन में क्या होता है अवार्ड नहीं पास किया जाता सेटलमेंट पास किया जाता है ठीक है तो अब क्या होता है ये जो सेटलमेंट रहता है बाइंडिंग नहीं रहता लेकिन पार्टीज क्या करती है आपस में अग्रीमेंट कर लेती है मतलब खुद पे सेटलमेंट को बाइंडिंग कर लेती हैं तो अब क्या होगा जो पार्टीज इससे बाइंड हो जाएंगी और इसे ऐसा माना जाएगा कि एज इफ जैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास किया जाता था सेम इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो सेटलमेंट आएगा सेटलमेंट अग्रीमेंट के थ्रू एक सेटलमेंट की वही वैल्यू हो जाएगी जो कि आर्बिट्रेशन में एक अवार्ड की वैल्यू रहती है कहने का मतलब ये है कि ये सिविल कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है इसके अवार्ड को ऐसा माना जाएगा इट इज अ डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट फिर अगला है क्वेश्चन ये है ए डी आर है क्या उसके डिफरेंट फॉर्म्स के तो एडीआर क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोर्ट के बाहर जाके अपना डिस्प्यूट सॉल्व कराने के रास्ते को तरीके को हम लोग एडीआर बोलते हैं यहाँ पे पार्टीज कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी अपना जो तो डिस्प्यूट है सॉल्व करा लेंगे अब हमें पता है कि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारा मैटर पेंडिंग है और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि कोर्ट के बाहर भी सॉल्व किए जा सकते हैं तो उन्हीं मैटर्स को कोर्ट से बाहर सॉल्व कराना और लोगों को जिससे स्पीडी जस्टिस मिले उनका फंडामेंटल राइट है और को, जो कोर्ट्स हैं उनका बैकलॉग भी कम हो अभी होते कितने तरीके के आर्बिट्रेशन हो गया कंसिडेशन मीडिएशन नेगोशिएशन लोक अदालत जुडिशियल सेटलमेंट तो ये कुछ जो है ए के तरीके हैं अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर नेगोशिएशन क्या होता है नेगोशिएशन क्या होता है इसमें जैसे हम लोगों ने अभी कंसिडेशन में पढ़ा है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है पार्टीज के पीछे समझौता कराती है नेगोशिएशन में ऐसा नहीं होता नेगोशिएशन में बहुत सारी पार्टीज रहती है दो से ज्यादा पार्टीज रहती है वो क्या करती है आपस में बैठते हैं और जो भी डिस्प्यूट रहता है खुद ही मिलकर सॉल्व करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्लेक्सीबल रहता है क्यों क्योंकि सब तो पार्टीज के हाथ में लेकिन एक तरीके से बहुत बेकार भी है बेकार इस वजह से क्योंकि मान लो कोई पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वीकर पोजिशन पर है तो उसकी बात तो सुनेंगे ही नहीं ओके नॉट गोइंग डेप्थ अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत क्या होता है उसके क्या पावर्स है तो लोक अदालत एक तरीके का ए डी ही होता है इसे पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मल रहता है ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है यहाँ पे जो लोक अदालत में लोग बैठे या तो जो पार्टीज डिस्प्यूटेंट रहती हैं उनके बीच में समझौता करा देते हैं या फिर अवार्ड पास कर देते हैं कई लेवल्स पे होते हैं ये ताल्लुक लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है स्टेट अथॉरिटी लेवल पे होता है हाई कोर्ट लेवल पे होता है अब इनके जो पावर्स है सेम पावर से, से रहेगी जो कि एक कोर्ट सिविल कोर्ट के पास रहती है चाहे वो सम्मन से रिलेटेड कोई मामला हो विटनेस से रिलेटेड कोई मामला हो या फिर कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स रहता है उसे इंस्पेक्ट करना हो ऐसा कोई भी मैटर रहता है तो बस सारी वही पावर्स रहेंगे जो कि एक कोर्ट के पास रहती है और इनका ये जो अवार्ड देते हैं या फिर जो भी सेटलमेंट कराते हैं उसकी सेम वैल्यू रहती है एज इफ इट्स अ डिक्री पास बाय द सिविल कोर्ट फिर अगला है लोक अदालत का जो अवार्ड है उसका क्या नेचर है तो इसे हम लोग ऑब्वियसली सेक्शन ट्वेंटी वन में मैंशनड है है ना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में मैंने वैसे पहले ही बता दिया था लेकिन यहाँ पे सेक्शन के साथ बता रही हूँ तो जो लोक अदालत जो भी अवार्ड बना बोल देगा उस अवार्ड को हम लोग डिक्लेयर सिविल कोर्ट मानेंगे और के ऊपर बाइंडिंग होगा मुकर नहीं सकते अगला क्वेश्चन है लीगल एड लीगल एड क्या होता है तो लीगल सर्विस सेक्शन टू क्लॉज वन सब क्लॉज सी में ये दे रखा है कि लीगल सर्विस या लीगल एड वही होता है कि किसी भी पर्सन को ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना किसी केस से रिलेटेड चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो या फिर किसी लीगल मैटर पे एडवाइस देना इन सब चीजों को लीगल एड कहते हैं और अगर हम लोग लीगल एड की बात करें तो अगर हम लोग अपने आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसका जो उसमें जो आर्टिकल थर्टी नाइन ए ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है जो कि हमारे वन ऑफ द डीपीएसपी है कि स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी मतलब वीकर सेक्शन सोसाइटी है उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए इनफैक्ट ये जो मैं एक्ट की बात करूँ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उन सबको जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जा सके मतलब किसी को जस्टिस इस वजह से ना देनाई हो क्योंकि वो अंडर प्रिविलिस्ड था अगला अगला क्वेश्चन है मीडिएशन क्या होता है जैसे आपने कंसिड्रेशन में पढ़ा था कि उसमें जो है सेटलमेंट होता था है ना लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो मीडिएटर रहता है ना उसे फैसिलिटेटर बोलते हैं मतलब वो खुद समझौता नहीं करवाता है वो क्या करवाता है ये कोशिश करता है कि मैं दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन कराऊं और जिससे वो लोग खुद एक समझौते पे पहुंचे यहाँ पे मीडिएटर मतलब अगर मैं मीडिएटर हूँ तो मैं पार्टी समझौता नहीं कराऊंगी पार्टीज के पीछे लेकिन मैं क्या करूंगी दोनों पार्टीज की बातचीत कराऊंगी जिससे कि वो दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर सके मैं समझौता करने के लिए आपस में कंपेल करूंगी फिर अगला क्वेश्चन है आप आर्बिट्रल अवार्ड को कौन से ग्राउंड पर सेटिसाइड कर सकते हो तो पार्टीज जो है वो किस ग्राउंड पे कोर्ट जा सकती हैं किसी आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए तो या ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कोई पार्टी है वो किसी तरीके की इनकेपेसिटी में इनकेपेसिटी पर्सनल भी हो सकते हैं कंट्रेक्चुअल भी हो सकते हैं जैसे मान लो कोई पार्टी जो है माइनर है तो कहेगी मैं तो माइनर था जब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना तो इसका अवार्ड मेरे पर बाइंडिंग कैसे होगा है ना फिर दूसरा है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वही वैलिड नहीं है वो इनवैलिड है तीसरा है जो पार्टी है उसे प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया है एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को आर्बिट्रेटर ना तो आर्बिट्रेटर चुनने का प्रॉपर नोटिस दिया है ना ही तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का प्रॉपर नोटिस दिया है तो भाई उस पर बाइंडिंग क्यों होगा उसे जब कुछ पता ही नहीं है तुमने खुद से सब कर लिया तो वो आर्बिट्रेशन जो है अवार्ड आएगा उस पर बाइंडिंग नहीं होता है और फिर आ, अगला है कि अगर मान लो लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से नहीं हो रहा है जैसे दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करना है लेकिन आर्बिट्रेटर जो है इक्वली नहीं ट्रीट कर रहा है अब अगला है कोर्ट जो है खुद के मोशन पे भी वो चाहे तो जो है आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड कर सकते हैं मान लो कोई ऐसा डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसाइड कर दिया गया है जो कि आर्बिट्रेशन के थ्रू तो सॉल्व होना ही नहीं है मान लो कोई एक क्रिमिनल ने, क्रिमिनल नेचर का कोई ऑफेंस है तो आप उस आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन के थ्रू तो थोड़े सॉल्व कर सकते हैं उसमें तो पेटी ऑफेंसेस रहते हैं ना फिर अगला है अगर आप इंडिया की पब्लिक पॉलिसी को कंट्रोवीन कर रहे हैं तो कोर्ट खुद से उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड कर सकता है अगला क्वेश्चन है जुडिशियल सेटलमेंट किसे कहते हैं जुडिशियल सेटलमेंट इसमें क्या होता है कोई भी एक जज जो कि ट्रायल जज नहीं होता है वो क्या करता है वो कोशिश करता है कि जो दोनों पार्टीज है ना उन लोगों के बीच में समझौता हो जाए क्या करेगा दोनों पार्टी से पहले अलग अलग मिलेगा फिर उन लोगों को मतलब सेटलमेंट ऑप्शन बताएगा उन्हें बताएगा कि क्या क्या आपके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप लोग ए, मतलब ये करेंगे आपके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे अगर आप इस तरीके से अपने मैटर को सॉल्व करेंगे फिर फाइनली क्या होगा तो साथ में हो बैठेंगे ठीक है उसके बाद फिर दोनों पार्टीज को एक सेटलमेंट पे पहुंचा देता है वो जज जो रहता है जज अदना ट्रायल जज ये ध्यान रखना की वर्ड है जुडिशियल सेटलमेंट का फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का क्या ऑब्जेक्टिव था इसका मतलब जो मेजर ऑब्जेक्टिव था मैंने शॉर्ट में आपको पहले थोड़ा सा बताया था तो ये ये था कि जो भी एक मतलब हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो लोग तो गरीब हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है वो लीगल एड नहीं दे पा रहे हैं तो उन सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना इस एक्ट का जो था मेन ऑब्जेक्टिव यही था लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ करना यही सारी चीज़ें कराना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ दियज एनी डाउट डू मैंशन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू